गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। एंड आज जा रहे हैं हम कांटी मछुआ, वहीं जाएंगे और नहाएंगे और देखेंगे क्या लोकेशन है। मैं पहली बार जा रहा हूं वहां पे, तो देखते हैं क्या क्या रिएक्शन आते हैं लोगों के। बाकी चलते हैं, मिलते हैं अभी जाकर। आजा भाई आगे, ओ आजा। चलो बेटे चलाओ। तो जा रहे हैं हम अपना कांटी मछुआ। यार बहुत ज़्यादा गर्मी है, गर्मियों के दिन सच में बहुत बेकार होते हैं। मेरे को सर्दियाँ बहुत पसंद है यार, कारण तो गर्मी में निकलने का मन नहीं करता, कोई जल्दी से निकलता है। या तो सुबह निकलो 7-7:30 बजे, या तो शाम को निकलो, बेस्ट रहता है। बट इस टाइम हम पाग रहे हैं जो निकल रहे हैं, क्या करें यार, मन था निकलने का तो निकल गए। बाकी चलते हैं, चलो चल चल भाई, चलो खड़े ना हो, चलो 1:30 बजे पहुँचेंगे, 1 घंटे लगेंगे, 4:30 तक आएंगे। क्या दिक्कत हो रही, बापू गाड़ी देगा? अरे यार नहीं होता, जल्दी आ जाएंगे। कोशिश यही है कि जल्दी पहुंच जाए, क्योंकि जल्दी भी आना है, घर वाले भी बोलेंगे। पता नहीं है घर वालों को, हम पहुँच रखे हैं यहाँ पे, देखते हैं। यहाँ से भी निकल रहे हैं अब, चलो बैठ। अब जा रहे हैं हम ही जा रहे हैं, 4 जने हैं हम। देखते हैं क्या रहता है, पर से धूल इतनी गंदी, धूप इतनी, और हाथ काले हो जाएंगे, इसलिए मैं फुल बाजू की पहन के आ रहा हूँ, टी शर्ट सॉरी। पर रोड बहुत सेक्सी है, भगवान में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि मैं दिखाता हूँ। बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है, पर यार चले गए यार, देखते हैं। ओए बिना हैंडल के मुड़ गया बे। अरे अरे ये इसलिए लगा रखे हैं क्योंकि यहाँ पे ईंटे वगैरह, मतलब पत्थर वगैरह गिरते हैं, मलबा वगैरह गिरता है बारिश के टाइम, इस कारण चुन्नी वगैरह गिर रखी है ना, सॉरी चालिया सी गिर रखी है इसके ऊपर। ये क्या था, लगते लगते गए हैं। अरे हमें पीछे छोड़ने की बात कर रहे हैं, तो फिर दिखाना ही पड़ेगा, शेख को पीछे छोड़ने पर यहाँ बात करते हैं। धूप बहुत गंदी हो रही है, इसी कारण हम कांटी मछुआ जा रहे हैं। हम वहाँ पे शायद पानी होगा ना, पानी होगा वहाँ पे मिले, वहाँ पे नहाएंगे हम देसी फ्री वाला स्विमिंग पूल में, इसीलिए जा रहे हैं वहाँ पे। और बढ़िया रोड तो बहुत अच्छी, पर अगर यहाँ पे रात को आते हैं ना तो फिर बहुत डर लगता है। मैं पहले आया हूँ यहाँ पे, मैं एक मेरा दोस्त था वो आए थे रात को, बहुत डर लगता है क्योंकि यहाँ जानवर वगैरह भी निकलते हैं। गाइस तो आप लोग मेरे को इंस्टा पे भी फॉलो कर लो, मेरा पेज मैं आपको साइड में छोड़ दूँगा, आप मेरे को इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, और मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो।
ताकि आप अच्छे अच्छे ब्लॉग्स देख सको। यार आपको चलो मैं प्यार की बात बोलता हूँ, अगर कोई लड़की तुमसे प्यार कर रही है ना और तुम्हारी जीएफ है तो प्लीज़ हो सको तो उसकी कदर करो, उसकी केयर करो, उसकी रिस्पेक्ट करते रहो, क्योंकि किस्मत वालों को मिलती है यार प्यार करने वाले लड़के ने। तो आजकल का टाइम तो ऐसा चल रहा है ना कि नहीं मिल पाती। मेरी भी लाइफ में एक लड़की है प्रीति नाम की, मैंने प्रीति नाम बहुत प्यार क्योंकि हैप्पी को आज छोटी सी बहुत प्यारी है, मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे। बट आजकल थोड़ी बहुत ही लड़ाइयाँ चल रही है इस कारण, बट ऐसा नहीं है कि भाई प्यार कम हो रहा है हमारे बीच में, ऐसा कुछ नहीं है। वो भी बहुत प्यार करती है, मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ। जहाँ मेरे को समझ नहीं आता वहाँ मैं उसको समझ में आने के लिए बोलता हूँ कि समझ सुविधा देना, बट ऐसा कुछ नहीं है कि लड़ाई कहते हैं ना कि जहाँ लड़ाई होती है वहाँ प्यार नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ लड़ाई होती है वहीं प्यार होता है, क्योंकि लड़ाई वो ही करता है जो प्यार करता है, जो कदर करता है, जो डरता है खोने से। ये बात हर किसी के पल्ले नहीं पड़ती, ऐसे तो पड़ने की हो सके तो अपनी गर्लफ्रेंड की कदर करो, प्यार करो उससे, क्योंकि यार प्यार बहुत बहुत किस्मतों से मिलता है, क्योंकि आज का टाइम बहुत ज़्यादा गंदा है, क्योंकि टाइम पास करने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, प्यार करने वाला नहीं मिल पाता जल्दी से। और आगे तो शायद रोड भी बेकार है यार, दूर हो गया बहुत ज़्यादा, ये आ गया ऑफ रोड, ओह शिट, ऑफ रोड में थोड़ा दिक्कत होती है यार। रोड पे आता है, अगर तुम्हें रोड अच्छी फील जाती है ना तो भाई साहब मैं कह रहा, जो राइडर होते हैं, जो ब्लॉगर होते हैं, उनको बहुत अच्छा फील होता है कि रोड इतनी खतरनाक है। आप देख सकते हो मैं अभी हाथ छोड़ के चला रहा हूँ, चलो एक की फट रही है मेरे पीछे बैठ के थोड़ी बहुत ही, ये भी ब्लॉग बढ़ा रहे। हेलो हेलो क्या कर रहा था पानी पीने रुके थे, ये देखो आप मेरी बाइक देख सकते हो आप, बाइक तो यहाँ पहुँच चुके हैं हम आधे रास्ते, देख सकते हो आप लोग रास्ते बहुत असम है, बेशक धूप हो रही है पर व्यू देखो आप, व्यू है पर रास्ते थोड़े ऑफ रोड भी आ रहे हैं, ऑन रोड भी आ रहे हैं, बस ठीक है, मतलब अच्छे है रास्ते, यहाँ तो अच्छा है रास्ता, बैठ आप देख सकते हो क्या व्यू आ रहा है। ऑफ रोड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, हाँ तो है, मैं तो पहली बार आ रहा हूँ यहाँ पे, पहले आया हूँ तो फिर तो शायद पता होता रास्ते का, पहली बार आ रहा हूँ, पर व्यू भी बहुत अच्छा है, धूप बहुत गंदी हो रही है और ऑफ रोड बहुत गंदा है, देख सकते हैं बहुत ज़्यादा चलता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे काम भी चल रहा है और रास्ता ये है, और यहाँ जरा मैं बस देख सकते हो व्यू, चले हुए हैं रास्ता देख लो कैसा हो रहा है, अभी पूरा ऑफ रोड है इसलिए बाइक तो नीचे खड़ी कर दी, हम जा रहे हैं ऊपर। तो गाइस आप देख सकते हो ये लोकेशन, सारे नहा रहे हैं यहाँ पे और क्या अच्छी तरह से पानी मिल रहा है बहुत। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ, ये पहले रास्ता बड़ा सही था, अब ये पूरा घूम के आना पड़ता है, तो शॉर्टकट से आगे ये बंदे बियर बियर भी रहने यार पूरी दबा के चल रही है यहाँ पे नशे वगैरह, तो देख सकते हो आप कैसे नहा रहे हैं सारे, ये ओ मीठा और ये है और ये व्यू आ रहा खतरनाक तरीके से, ये सौरभ ओम ये लक्की, बहुत अच्छा व्यू है यहाँ का, देखो यहाँ का क्या खतरनाक है, बहुत तगड़ा व्यू है। तैयार
और अब हम जा रहे हैं घर, क्योंकि टाइम हो चुका है, इतना ही था अपना सफ़र। उसके बाद शाम को जाऊंगा मैं बाइक टेपिंग टूपिंग करवाने अपनी बाइक में, उसके बाद निकलते हैं। देख सकते हो आप, लास्ट बार देख लो व्यू, और ऊपर का भी देख सकते हो क्या खतरनाक व्यू है, बहुत असम व्यू है। लेकिन एक सेकेंड तैयार होगी दुल्हन, दुल्हन देख लो अब रास्ता कैसा है। और इस रास्ते से आए थे हम, चढ़ना बहुत औखा है। बाबे पैर नहीं जमाए जा रहे हैं, देख के आना, ओम तो चढ़ गया ऊपर। ओए आजा, देख सकते हो आप व्यू कैसा आ रहा है, बहुत बढ़िया व्यू है, बहुत ऑसम व्यू है। चलते हैं घर, चोट भी लग सकती है, मेरे भी पैर में लगी है थोड़ी बड़ी। चल भाई इसको फोटो खिंचाने का शौक है, यहाँ डूबो धूप में भी टिकाऊ नहीं। ये अपनी बाइक की स्कूटी खड़ी है, और पूरी बाइक गंदी हो गई है, घर जाके नहलानी पड़ेगी है। पूरी बाइक गंदी होगी मेरी धूल की वजह से, देख सकते हो कितनी गंदी धूल है, फ्रंट से भी बहुत गंदी होगी। वो कहाँ जा रहे? अच्छा, तो निकल चुके हैं हम यहाँ से अपने घर के लिए। अभी प्यार की लाइनें भी सुनाऊंगा, तेरे को भी सुनाऊंगा। अभी हम को सुना रहा था, तेरे को भी सुनाऊंगा। भाई ऐसी धूप में अगर आ रहे हो ना, तो सोच समझ के आओ, क्योंकि लू बहुत गंदी चल रही है, और बीमार होने का भी खतरा है ऐसी लू में ना, तो इस कारण देख के देख समझ के आओ। शाम सी गए, बट यहाँ शाम को तो आने का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि अगर तुम शाम को आओगे तो फिर तुम्हें रास्ता भी बहुत गंदा लगेगा, और दूसरी बात तुम चला नहीं सकोगे हम भाई। चाचा क्या हाल है? अरे नहीं नहीं, उन्हें अपनी बोरी देखी ना, बोरी ना लगे इस कारण। हाँ व्यू देख सकते हो वैसे आप, इतना खतरनाक है यहाँ का रोड भी सेक्सी है, मेरे टाइम पे ही सेक्सी होते हैं रोड। मैं सोलन में गया था ना जब बाइक लेने, तब भी रोड ऐसी थी खतरनाक। हाय हाय हाय, क्या फील आ रहा चलाने का, मज़ा आया ऐसी ऐसी रोड पे तो चलाने का। बाकी मैं अपनी इंस्टा आईडी आपको साइड में शो कर दूँगा, आप मेरे को फॉलो कर सकते हो उस आईडी पे, इंस्टाग्राम पे डेविड बॉय अभी के नाम से मेरी आईडी है। एंड चलते हैं घर, घर के लिए लेट हो रहे हैं, और इसमें अपना स्टिकर लगाना है, सामने लगाऊंगा अपना यहाँ पे, उसके बाद स्टिकर लगाना है अपने लोगो डेविड बॉय अभी, क्योंकि हमने सफ़र बहुत अच्छा रहा है, और अच्छी तरह से हम आए, सेफली अपना ड्राइव भी हुआ, अच्छे से हो गया सब कुछ। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, लाइक शेयर करके ज़रूर बताएं कैसा लगा आपको व्लॉग, एंड बाय बाय, टाटा सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको।